क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा है जिसका नाम सौर्या बैच है। तो हर एक टॉपिक्स का यूनिट वाइज रिवीजन कराया जाएगा। उसके 5 अगस्त तक ऑफर है और उस मिस्टेक से आप कैसे बच सकते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का सुप्रीमम क्लासेज में स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुप्रीमम क्लासेज के क्रैश कोर्स का बेसब्री से इंतजार है, तो अब आपका यह इंतजार खत्म होने वाला है। सुप्रीमो क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा है जिसका नाम सौर्या बैच है। इस बैच में आपको क्या फैसिलिटीज मिलेगी, कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट मिलेंगे, कितने नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, किस तरीके से प्रीवियस ईयर का डिस्कशन कराया जाएगा, किस तरीके से आपके कंसेप्ट को पॉलिश किया जाएगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और साथ में इस बार हम आपके लिए क्या नया लेकर के आए हैं ताकि पिछले साल से हमारा परफॉर्मेंस और बेहतरीन हो। पिछले बार हमने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था। क्रैश कोर्स में क्या होता है कि जो भी आप सीखे हो, जो कुछ आप सीखे हो, उसको अच्छे से पॉलिश किया जाता है, उसको अच्छे से गाइड करके पॉलिश किया जाता है, ताकि आप उस कंसेप्ट को, जो कुछ आप सीखे हो, आप उस कंसेप्ट को क्वेश्चंस में बेहतरीन तरीके से अप्लाई कर पाओ। आप उस कंसेप्ट को अप्लाई करके जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करके निकल जाओ, यानी हम उसके लिए आपको गाइड करेंगे। तो मैं आपको बतलाता हूँ कि हम क्रैश कोर्स में क्या कुछ कराएंगे। तो पहले कि हम टॉपिक्स वाइज रिविजन कराते हैं, टॉपिक्स वाइज हम एक एक टॉपिक्स का आपका रिवीजन कराएंगे, एक एक टॉपिक्स का, यानी स्टैट्स में जितने भी टॉपिक्स है, जैसे प्रोबेबिलिटी, यूनिवेरिएट, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीवेरिएट, मल्टीनोमियल, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, कन्वर्जेंस, इन्फ्रेंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यदि मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो रियल एनालिसिस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। तो हर एक टॉपिक्स का यूनिट वाइज रिवीजन कराया जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराया जाएगा और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करके दिखलाया जाएगा कि आप कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करके आप क्वेश्चन को शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकते हो, यानी जो कुछ आप सीखे हो उस टॉपिक्स में, उसको आप कैसे टेक्निकली अप्लाई करके क्वेश्चन को कम समय में आप सॉल्व करके निकल सकते हो। तो ऐसे कर करके हर एक टॉपिक का हम रिवीजन कराएंगे और यह रिवीजन करीब 35 to 45 days चलता है, यानी 30 to 45 days में आपका एक एक टॉपिक का रिवीजन हो जाता है। तो हम कैसे, किस टाइप से रिवीजन कराएंगे, तो आपका तो पहले एक एक टॉपिक्स का यूनिट मीन्स उसके एक एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन होगा, साथ में आपको हर एक टॉपिक्स का यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेगा, यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट, यानी जो प्रैक्टिस सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, यूनिट वाइज मिलेगा, ये यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट होगा। और साथ में प्लस प्रीवियस ईयर का डिस्कशन होगा, प्रीवियस ईयर का डिस्कशन होगा। अब ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है ताकि आप कंपेयर कर पा कि IIT ने इतना कुछ पूछ रखा है, तो अब तो वो दोबारा नहीं पूछेगा, आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो उसके अलावा और क्या पूछ सकता है, जैसे आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट का रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस से सॉल्व कीजिएगा और प्रीवियस ईयर कीजिएगा, तो आप दोनों में कंपेयर कीजिएगा कि प्रैक्टिस सेट में ऐसे कितने क्वेश्चन है, कितने कॉन्सेप्ट्स है जिसको आज तक IIT ने यूज नहीं किया, यानी उसको यूज करने का, उसको पूछने का चांसेस क्या है, मैक्सिमम है। और क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बतलाया जाएगा कि आप कॉन्सेप्ट्स को कैसे बेहतरीन वे में अप्लाई करके इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और समय को अपना बचा सकते हो विथ एक्यूरेसी, यानी सॉल्व करते समय आपको ये भी बतलाया जाएगा कि आप किस टाइप से मिस्टेक्स करते हो, एग्जाम में किस तरीके से आप गलतियां कर देते हो, यानी होता नहीं है कि आप क्वेश्चन आपसे हो रहा है फिर भी आप गलती से गलती कर दी है, आपको ध्यान नहीं रहा, आपने छोटा सा मिस्टेक कर दिया, तो वो मिस्टेक्स कैसे होते हैं और आप उससे कैसे बच सकते हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने एक्यूरेसी पर कमांड कर लिया, एरर को मिनिमाइज कर लिया, तो आप दुनिया का हर एक एग्जाम निकाल सकते हो, यदि आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और नहीं होता कि आपने सब कुछ पढ़ा और जाकर के वहां गलत कर दे, तो सारा एक साल का मेहनत बेकार। तो आपको अच्छे से यहाँ गाइड किया जाएगा कि आप गलतियों से कैसे बच सकते हो क्वेश्चंस को डिस्कशन कराते हुए।
क्वेश्चन के थ्रू ही ना मैं बतला पाऊंगा कि आप मिस्टेक्स से कैसे बच सकते हो, किस टाइप्स का आप मिस्टेक्स करते हो, उसका क्या सॉल्यूशन है ताकि वो मिस्टेक्स आपसे दोबारा ना हो। साथ में एक टेस्ट होगा, जो कुछ आपने सीखा और पर टॉपिक 3 to 4 days चलेगा। पर टॉपिक हर एक टॉपिक 3 to 4 days चलेगा, हर एक टॉपिक तो टोटल 12 टॉपिक, तो वही 40 to 45 days के आसपास आपका रिवीजन हो जाएगा। 40 to 45 days में एक एक टॉपिक्स का बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हुए, प्रीवियस ईयर का डिस्कशन और उससे कंपेयर करते हुए, और टेस्ट के थ्रू अब ये एनालाइज करोगे कि जो कुछ आप यहाँ पर सीखे, जो कुछ आप वहां पर सीखे, अब आप टेस्ट में कितना कर पा रहे तो ही ना पता चलेगा ना कि हम और कितने ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यार हम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जानते थे फिर भी हम टेस्ट के टाइम नहीं कर पाए, होता है ना ऐसे, बहुत बार होता है कि आप काफी कुछ जानते हो लेकिन क्वेश्चन जब करने की बारी आती है एग्जाम में तो आपसे वो कॉन्सेप्ट स्लिप हो जाता है, या जानते हुए भी आप गलत अप्लाई कर देते हो तो आपका निगेटिव मार्किंग चला गया, तो वो लॉस हुआ ना, एक तो टाइम भी गया साथ में निगेटिव भी हुआ। तो अब यहाँ पर टेस्ट होगा और टेस्ट के जस्ट बाद अब इसका हम एनालिसिस करेंगे ताकि आप कंपेयर कर पाओ कि आपने कहाँ कहाँ गलतियां किया, आप इस मिस्टेक से बच सकते थे, और इसका हम अगले टेस्ट में अप्लाई करेंगे ताकि अगले टेस्ट में आपसे कम से कम गलती हो। तो अब इसके बाद अष्टा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दूसरा टॉपिक होगा। तो किस वे में होगा, क्या मैथ एक साथ होगा, क्या स्टैट्स एक साथ होगा, नहीं, 3 to 4 days एक टॉपिक मैथमेटिक्स होगा और 3 to 4 days एक टॉपिक स्टैटिस्टिक्स होगा। तो मैथ स्टैट्स यानी हम इस वे में चलेंगे, यानी हमारा मैथमेटिक्स का भी पोर्शन अच्छे से होता रहे और स्टैटिस्टिक्स का भी पोर्शन अच्छे से होता रहे, और हम आपको ये बतलाएंगे कि आप मैथमेटिक्स का यूज करके स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस को टेक्निकली कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप कैलकुलेशन वाला रास्ता पकड़ लोगे तो गलतियां भी होने के चांसेस ज्यादा हो जाएगा, जितना कैलकुलेशन कम होगा एग्जाम में उतना कम गलती होने के चांस है, जितना ज्यादा कैलकुलेशन कीजिएगा उतना ज्यादा गलती होने के चांस है। तो आपको हम टेक्निकल अप्रोच बतलाएंगे ताकि आप कम समय में कम कैलकुलेशन करते हुए क्वेश्चंस को सही सॉल्व कर दो। तो फिर हम आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें भी सेम प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उस टॉपिक का प्रैक्टिस सेट अलग से मिलेगा, उसका डिस्कशन होगा, कॉन्सेप्ट्स का पहले रिवीजन होगा, रिवीजन के साथ ही उसी दिन आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, फिर अगले दिन प्रीवियस ईयर का डिस्कशन होगा ताकि हम कंपेयर कर पाए, और प्रैक्टिस सेट का भी डिस्कशन, यानी प्रैक्टिस सेट का पहले डिस्कशन होगा फिर हम प्रीवियस ईयर का डिस्कशन करेंगे, और आप कंपेयर कर पाइए कि उस टॉपिक्स में प्रीवियस ईयर अभी तक मैंने IIT क्या क्या कंसेप्ट यूज कर चुका है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, और ऐसे प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चंस हैं जो उस टॉपिक से अभी IIT ने यूज नहीं किया या उस कंसेप्ट को IIT ने यूज नहीं किया, तो आप अच्छे से चीजों को कंपेयर कर पाइएगा, फिल्टर कर पाइएगा, तो वो आपको दिखेगा कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट IIT ने पूछ चुका है, अब ये बाकी है, तो आपका उस पर फोकस ज्यादा होगा ना, क्योंकि अब ये सेम कॉन्सेप्ट तो रिपीट करेगा नहीं, आपको भी पता है और हमें भी पता है, तो आपका फोकस इसके तरफ होगा, इसलिए साथ में प्रीवियस ईयर करना जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही आपको गाइड कर रहा है कि क्या कुछ आ चुका है और क्या कुछ आने वाला है, आप गेस कर सकते हो, इसको बेस बना करके आप गेस कर सकते हो कि क्या कुछ आने वाला, नहीं होता है कि एक टॉपिक में 10 कॉन्सेप्ट है, IIT 6 कॉन्सेप्ट पूछ चुका है, तो चार में से कोई एक आने के या दो आने के चांसेस ज्यादा है, तो आपका उस चार पर फोकस ज्यादा होगा, तो उसके लिए कुछ रिफरेंस चाहिए ना, जिसके तरीके से आप पता कर पाओ कि किस क्वेश्चन का पैटर्न पूछ सकता है, तो उस क्वेश्चन का पैटर्न कहां से पता चलेगा, प्रैक्टिस सेट से पता चलेगा। फिर अब यहां होगा टेस्ट, तो जो गलती आप यहां पर किए हो अब आपको ध्यान में रहेगा कि वो सेम मिस्टेक्स इस टेस्ट में नहीं करना है, वो सेम मिस्टेक्स इस टेस्ट में आपको नहीं करना है। तो इस पैटर्न में हम सारे के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका टोटल 12 प्रैक्टिस सेट मिल गया,
आपका एक एक टॉपिक्स का रिवीजन हो गया, यानी पूरा का पूरा पीवाईक्यू का भी डिस्कशन हो गया, पीवाईक्यू का भी डिस्कशन हो गया, आपका 12 टेस्ट हो गया यूनिट वाइज, 12 यूनिट वाइज नॉन प्रीवियस ईयर टेस्ट हो गए। ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा, अब आपका स्टार्ट होगा फुल लेंथ टेस्ट, यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट, तो जो मेरे पास पिछले साल का टेस्ट है 2022 टेस्ट का, जिसका जिसके क्वेश्चंस की चर्चा बच्चों ने काफी किया, काफी तारीफ किया, क्योंकि उस टेस्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम कंसेप्ट जैन 2023 में आया था, इसीलिए सुप्रीमम क्लासेस का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा था। और इस बार 2024 में हम और ज्यादा बेहतरीन करने वाले हैं, तो 2022 से 2023 में हमने टोटल 17 नॉन प्रीवियस ईयर फुल लेंथ टेस्ट लिया, और टोटल 20 प्लस था, शायद 30 के आसपास था, ठीक है ना, 20 यूनिट वाइज टेस्ट, 20 यूनिट वाइज टेस्ट था। तो इसको तो हम अलग से कर लेंगे एज अ प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में, हम कर लेंगे अलग से। तो ये क्या होगा, अब ये 15 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक सारे फुल लेंथ टेस्ट होगा, सारा फुल लेंथ टेस्ट हो जाएगा, यानी 15 दिन में 15 टेस्ट, हर एक दिन एक टेस्ट होगा, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देख पा कि आपके अंदर कितना ग्रोथ हुआ है कॉन्सेप्ट का, और आपको और कितना मेहनत करने की जरूरत है। यानी इस 15 टेस्ट में आप काफी कुछ सीख जाओगे, नहीं आपका सिलेबस कंप्लीट है फिर भी मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि आपका आपका मॉक टेस्ट अलग से होगा, आपका ये पिछले साल का मॉक टेस्ट है, जो आपका 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 15 डेज में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा विथ डिस्कशन। ये आपका 15 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, यानी पूरा का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम 1 नवंबर से हम नॉन पीवाईक्यू फ्रेश टेस्ट लेंगे। इस साल का क्वेश्चन होगा, यानी पिछले साल का क्वेश्चन तो हमने टेस्ट ले लिया, तब इस टेस्ट का क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, आपका लेवल इंप्रूव हो गया, इंप्रूव हो गया। अब जब मैं 1 नवंबर से नॉन पीवाईक्यू फुल लेंथ टेस्ट लूंगा, तो अब आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके रहेंगे इस टेस्ट को देने के लिए। और जब आप ये टेस्ट दीजिएगा, तो अब आप बहुत सारे क्वेश्चंस में अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अप्लाई कर पाइएगा, आप एनालिसिस कर पाइएगा कि हाँ हमने इतना कुछ सीखा था और अब हम कितना कर पा रहे। तो हर एक टेस्ट में आपका इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, और साथ में इसका डिस्कशन भी होगा। तो ये हो गया टेस्ट का और प्रैक्टिस सेट का, यानी 1 नवंबर से आपका अलग से फुल लेंथ टेस्ट होगा, और ये टोटल 20 टेस्ट होगा। यानी टोटल नंबर ऑफ टेस्ट की मैं बात कर दूं, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितना हो गया, 12 यूनिट वाइज टेस्ट हो गया, टॉपिक वाइज के रिवीजन के साथ 17 टेस्ट पिछले साल का हो गया, 2022 टेस्ट का टेस्ट हो गया, इस साल का 20 टेस्ट होगा 2023-24 का, और ये सारे के सारे नॉन प्रीवियस, ये भी नॉन प्रीवियस। तो ये फुल लेंथ टेस्ट होगा, यानी एक शॉर्ट में लिख दो FLT, ये भी FLT होगा, और ये यूनिट वाइज। इसके अलावा आपको क्या मिल गया, 12 प्रैक्टिस सेट मिल गया। तो ये क्रैश कोर्स का प्रैक्टिस सेट है, यानी ये वाला प्रैक्टिस सेट, रेगुलर बैच का ये प्रैक्टिस सेट इंक्लूडेड नहीं है, रेगुलर बैच का प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम 55 दे चुके हैं, प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड कर चुके हैं स्टैटिस्टिक्स में और मैथमेटिक्स में, 30 के आसपास प्रैक्टिस सेट, तो उसका भी एक्सेस आपको दिया जाएगा। यानी जो प्रैक्टिस सेट रेगुलर बैच में हमने दिया है करीब 80 के आसपास, वो हर एक प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और उसमें सारे के सारे क्वेश्चन नॉन प्रीवियस ईयर है, सभी के सभी क्वेश्चंस क्या है, नॉन प्रीवियस ईयर है, वो MCQ, MSQ और NET के फॉर्मेट में है,
यानी वो जैम के पैटर्न पर क्वेश्चन है, जो भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है वो जैम के पैटर्न पर है, और यहाँ भी जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा वो भी जैम के पैटर्न पर मिलेगा। यहाँ पर जो ये प्रैक्टिस सेट मिलेगा ये भी जैम के पैटर्न पर मिलेगा, और हम कोशिश करेंगे कि इसमें 60 क्वेश्चन हो, ताकि आपको आदत रहे 60 क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए जाओ तो उसको एज अ टेस्ट करो, एज अ टेस्ट करो, और जो भी टेस्ट होगा सभी के सभी सॉफ्टवेयर पर होगा। जितना भी आपका टेस्ट होगा सभी के सभी सॉफ्टवेयर पर होगा, सभी के सभी सॉफ्टवेयर पर टेस्ट होगा। मेरे पास और भी टेस्ट है, ठीक है, मेरे पास और भी टेस्ट है। इस बार सीवीटी का हमने 12 नॉन पीवाईक्यू टेस्ट लिया था, सीवीटी का 12 नॉन पीवाईक्यू टेस्ट लिया था, जिसमें हर एक टेस्ट में स्टैटिस्टिक्स से 55 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन। तो अभी वो भी 12 टेस्ट है, ये भी 12 टेस्ट। और हर एक टेस्ट के डिस्कशन के साथ आपको गाइड किया जाएगा कि आप कॉन्सेप्ट को कैसे बेहतरीन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये करिकुलम जो है एग्जाम के दिन तक यानी 5 फरवरी तक चलता रहेगा, और आपको पर्सनली गाइड भी किया जाएगा, आपको साथ में पर्सनली गाइड भी किया जाएगा। मीन्स आपको यदि क्वेरी होगी तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके गाइडेंस ले सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, या आप ये मेरे से जान सकते हैं कि सर हम कैसे स्टडी करें, किस वे में पढ़ाई करें, ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को इफेक्टिव बना पाए, हम अपने मेहनत को इफेक्टिव बना पाए, हम आपके लिए 24 आवर अवेलेबल रहेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू। मैं हूँ, मेरे साथ टीम मेंबर है, यानी हर एक मेंबर आपको हेल्प करेगा एनी टाइम, यानी 24 आवर आपको सपोर्ट किया जाएगा, यानी पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर आपको सपोर्ट भी किया जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश किया जाएगा, ताकि जो कुछ आप अभी तक सीखे हैं उसको बेहतरीन तरीके से अप्लाई करके क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करके निकल जाओ विथ एक्यूरेसी। आपको ये गाइड किया जाएगा कि क्वेश्चंस को कैलकुलेशन वाला प्रोसेस से नहीं करना है, उसको टेक्निकली अप्रोच करना है, ताकि हम कैलकुलेशन से बच सके। यानी मैं आपको कैलकुलेशन से भरसक बचाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप कम समय में क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाए, 3 आवर्स में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। आपको ये गाइड किया जाएगा कि आप अपने एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन कीजिएगा, आप कैसे कम से कम मिस्टेक्स कर सकते हैं, और जो आप मिस्टेक्स कर रहे हैं उसका क्या कुछ सॉल्यूशन है, ताकि आपसे अगले टेस्ट में मिस्टेक्स ना हो। यदि आप हर एक टेस्ट में एक मिस्टेक्स भी इंप्रूव कर रहे हो, तो आपका 30 से 40 टेस्ट देते मिस्टेक्स एकदम मिनिमाइज हो जाएगा, आपका एक्यूरेसी एकदम मींस 99% हो जाएगी, इतना एक्यूरेसी। यानी जब अभी आप 15 क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, तो लास्ट टेस्ट देते आपसे मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चंस गलत होगा, और इतना गलती हर कोई करता है, जो कोई एग्जाम देता है ना, तो मैक्सिमम शायद 1-2 स्टूडेंट होंगे जो गलतियां नहीं करेंगे, नहीं तो हर एक को बच्चे 1-2 क्वेश्चन गलत कर ही देते हैं। लेकिन 15 के कंपेयर में काफी कम है ना, जहाँ 15 गलत कर रहे थे अब 1-2 क्वेश्चन गलत कर रहे, तो काफी अच्छा का इम्प्रूवमेंट है ना। और ये इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, इसके लिए हम आपको गाइड करेंगे, क्योंकि ये ऐसा नहीं होगा कि आपने टेस्ट दे दिया हमने छोड़ दिया, नहीं, आपको टेस्ट देने के बाद जब आप टेस्ट दोगे तो हर एक टेस्ट के साथ आपको गाइड भी किया जाएगा कि आप यहाँ पर कैसे मिस्टेक्स किए होंगे, और उस मिस्टेक्स से आप कैसे बच सकते हो। जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने बोला कि हम मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी कराएंगे, ऐसा नहीं कि एक बार रिवीजन हो गया, नहीं, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होगा, एक एक टॉपिक्स का हम मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कराएंगे। कैसे कराएंगे सर, तो जैसे सपोर्ट है मैं फुल एंड टेस्ट डिस्कशन कर रहा हूँ, यूनिट वाइज तो हो गया ना, अब मैं फुल एंड टेस्ट का डिस्कशन कर रहा हूँ, तो पहला क्वेश्चन सपोर्ट डेट आया सिक्वेंस एंड सीरीज का, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व तो कराऊंगा, सॉल्व कराने के साथ साथ ये बतलाऊंगा कि इसके अलावा इससे रिलेटेड और कितने कॉन्सेप्ट और कितने क्वेश्चंस का पैटर्न बन सकते हैं, और उसमें इस कॉन्सेप्ट को या इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे
यदि पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन सीक्वेंस का है तो आपका ऑलमोस्ट सीक्वेंस पूरा का पूरा रिवाइज हो गया। फिर सपोज दैट एक क्वेश्चन आ गया रैंडम वेरिएबल का, जैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का आ गया, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कितने कंसेप्ट है और आईआईटी इस कंसेप्ट को और किस तरीके से किस टाइप के क्वेश्चन में यूज कर सकता है, इसका हम गेस करेंगे, इसका हम रिवीजन करेंगे। ऐसे ही सपोज दैट बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ गया, तो बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कुछ टेक्निकल अप्रोच है, क्वेश्चन को कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे रिलेटेड और कितने कॉन्सेप्ट है, आईआईटी क्या पूछ चुका है और क्या अभी पूछ सकता है, यानी हर एक फ्रेम पर बात किया जाएगा, यानी आपको यहाँ हर एक तरीके से बेहतरीन वे में गाइड किया जाएगा ताकि आप बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आओ और अच्छा खासा स्कोर करके आओ। तो आप हमारे कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, 5 अगस्त तक ऑफर है, तो आप इस बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और ऑफर केवल 200 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है। आप 8,000-10,000 फी है, अभी 20% का ऑफ है, तो आप जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए क्योंकि 5 फरवरी के बाद ये फी 10,000 हो जाएगा, यानी ऑफर हट जाएगा। तो आज के लिए इतना ही और आप जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।